हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम सितंबर 16, 2021 का डेली न्यूज़ हिंदू एनालिसिस डिस्कस करेंगे। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज 16 सितंबर इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, पहली बात तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इज द लेयर विच इज इन द स्ट्रेटोस्फियर ऑफ द एटमोसफियर। अगर हम एटमोसफियर की बात करें तो द बॉटम मोस्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, अबव दैट वी हैव स्ट्रेटोस्फियर, देन वी हैव मीजोस्फियर, एंड देन वी हैव थर्मोस्फियर, और सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जोस्फियर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। दिस अल्ट्रावायलेट रेज कॉजेज स्किन कैंसर अमंग द ह्यूमंस। देर इज़ वन वियना कन्वेंशन विच कॉल्स फॉर टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। सो वियना कन्वेंशन, एंड द नेक्स्ट इज Following the Vienna Convention, there was Montreal Protocol. Montreal is a place in Canada. We have a Montreal Protocol which was signed in 1987. Montreal Protocol, it aimed at eliminating the use of chlorofluorocarbon, which is the ozone depleting substance. Later, there was 8th amendment to Montreal Protocol, which is called as Kigali. K-I-J-A-L-I, Kigali Agreement. It is the 8th amendment to Montreal Protocol. And it calls for reducing the manufacture and use of hydrochlorofluorocarbons. Okay, so these are very important. And recently, the UN cabinet has approved the ratification of Kigali Agreement. And once it is passed, so India will be the part of Kigali Agreement. Now let's come to the news. A very good news coming for the telecom sector. The lifeline for telecoms as government offers 4-year moratorium on dues. So already. AGR की बात चल रही थी, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। द फुल फॉर्म ऑफ AGR इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसके डेफिनेशन को लेके एक प्रॉब्लम हो रहा था। जो टेलीकॉम कंपनीज थी वो ये कह रही थी कि AGR में सिर्फ टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यूज ही आने चाहिए, जो जिसका परसेंटेज हमें गवर्नमेंट को पे करना है। बट द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेड दैट नो, AGR विल कंसिस्ट ऑफ टेलीकॉम रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ट्राई का जो डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनका जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बढ़ गया। बट राइट नाउ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेवरल मेजर्स वेयर द डेफिनेशन ऑफ AGR विल नाउ इंक्लूड ओनली द रेवेन्यूज फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर। So this will provide a much breather to the already languishing telecom sector. ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे कि क्या इनिशिएटिव है, तो देखिए इनिशिएटिव्स यहीं पे दिया हुआ है बॉक्स में जो आपको लर्न करना है। दैट द फर्स्ट इज कि देर इज 4-year मोराटोरियम फॉर ड्यूज ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, बट दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट। तो ये जो AGR है ये बहुत सालों से ड्यू था। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सेक्टर को टाइम भी दिया था कि दैट दे शुड डू दिस, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड दैट देर इज़ अ 4-year मोराटोरियम। 4 साल तक कोई AGR पे नहीं करना, बट however AGR पे जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करना है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यू डेफिनेशन ऑफ AGR है इट इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब कि अभी तक का जो AGR का डेफिनेशन है विच इंक्लूड्स टेलीकॉम रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, तो अभी जो जितना ड्यू है वो उस पुराने डेफिनेशन के हिसाब से, तो वो उसके ऊपर 4 साल का मोराटोरियम हुआ है। बट आज के बाद से AGR विल ओनली कंसिस्ट ऑफ टेलीकॉम रेवेन्यू। तो जो पहले के जो ड्यूज़ हैं वो टेलीकॉम रेवेन्यू प्लस नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू दोनों है, जिसके ऊपर 4 साल का मोराटोरियम है बट इंटरेस्ट पे करना है। इस AGR के डेफिनेशन के वजह से विच इंक्लूड्स टेलीकॉम रेवेन्यू एज वेल एज नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, द टोटल पेमेंट टू बी मेड बाई टेलीकॉम सेक्टर टू द गवर्नमेंट इज रुपीज 1.6 लाख करोड़। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज कमिंग इज
दैट 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इट हैज़ बीन रेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 49%. द नेक्स्ट इज दैट फॉर कस्टमर्स हु विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्ट पेड और पोस्ट पेड टू प्रीपेड, दे डोंट हैव टू सबमिट द फ्रेश KYC और नो योर कस्टमर. उसके बाद जो स्पेक्ट्रम ऑप्शंस होता है उसका 30 ईयर्स का एक कैलेंडर गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है कि अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है इट विल बी हेल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट होने वाला है. ओके सो उसको भी ऑक्शन करना है. हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? तो श्री अश्विनी वैष्णव. उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट गिव्स सेंटर 2 वीक्स टू फिल ऑल ट्राइब्यूनल वैकेंसीज. तो हम जानते हैं कि ट्राइब्यूनल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से देर इज़ अ जुडिशियल डिले. देर इज़ अ मैक्सिम विच इज दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सो ट्राइब्यूनल वैकेंसीज की वजह से वो हो रहा है. सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 2 वीक्स फॉर सेंटर्स टू फिल ऑल दिस वैकेंसी. उसके बाद एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है दैट गवर्नमेंट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे हैव बिगन द प्रोब इन टू द किडनैप ऑफ अ प्रोमिनेंट अफगान हिंदू लिविंग इन काबुल. हिज नेम इज बंसरी लाल अरंधे. ही वॉज किडनैप फ्रॉम हिज फार्मेसी शॉप. तो ये पूरा चल रहा है. तालिबान ने भी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं इसको ढूंढने के लिए. ओके नाउ सिटी गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन पावर्स ऑफ LG. तो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है. इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए थे पार्लियामेंट ने. एंड इट सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर. ओके सो नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस दैट एवरी डिसीजन हैज़ टू बी पास्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो द यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो गया है. तो इसी के अगेंस्ट द सिटी गवर्नमेंट मीन्स द दिल्ली गवर्नमेंट हैज नाउ दे हैव मूव द सुप्रीम कोर्ट citing that it violates the basic structure of the constitution. So the basic structure of the constitution jo hai it was enunciated by supreme court in the Keshav Nanda Bharti case. It's a very landmark judgment of the supreme court which defined the basic structure of the constitution in 1973. So federalism jo hai wo basic structure ka part hai. So isi ke under the city government has moved the supreme court. JEE mains ke results aa chuke hain और अब जे ही एडवांस होगा फॉर एडमिशन इनटू IITs. तो उसका जो कट ऑफ है इट इज़ 87.89. नाउ ये नॉर्म्स ये एडिटोरियल में डेटा पॉइंट में भी आया है बट हम इसको यहीं कर लेते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है. इट हैज़ शोन दैट देर इज़ अ 28% इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन 2020. और जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो इंक्रीज हुए हैं वो बेसिकली दोज रिलेट्स विद द वायलेशन ऑफ COVID-19 नॉर्म्स. सो देर इज़ अ 21-fold जंप विच वॉज रिकॉर्डेड इन केसेस ऑफ डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर प्रोमोगेटेड बाई पब्लिक सर्वेंट एंड ओवर 4 times इन केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशंस ऑफ अदर स्टेट लोकल लॉज अकॉर्डिंग टू NCRB. कुछ और डेटाज हम देख लेते हैं. अगर हम क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसमें 9.4% का इंक्रीज़ हुआ है. सिंपल हर्ट 32.9% जो सबसे ज़्यादा चंक है पूरे क्राइम रिपोर्टिंग का. अगर हम SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर केसेस की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 8.4% हुआ है. अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करें तो 7.5% का जंप हुआ है. अगर हम सेडिशन की बात करें खास करके तो द केसेस ऑफ सेडिशन दे हैव डिक्लाइन फ्रॉम 93 इन 2019 टू 73 इन लास्ट ईयर. और उसमें से सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो मणिपुर में केस आ रहा है. ओके एडिटोरियल पे हम लास्ट में आएंगे. नाउ दिस न्यूज़ इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट. थोड़ा डिस्टर्बिंग है ये न्यूज़. पाकिस्तान पंजाब फॉर्म्स द फिजिकल बाउंड्री विद पाकिस्तान. तो पंजाब हैज़ बीन पुट ऑन हाई अलर्ट क्योंकि वहाँ पे कुछ ISI बैक टेररिस्ट मॉड्यूल्स पाए गए हैं. ठीक है एंड दे वेर अटेम्प्टिंग टू ब्लो अप एन ऑयल टैंकर विद IED टिफिन बॉम्ब ब्लास्ट. तो
दो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं, उनमें से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है पाकिस्तान का, दे हैव बीन अरेस्टेड बाय द पंजाब पुलिस। उसके बाद यहाँ पे एक पाकिस्तान बेस्ड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन की बात हो रही है, जिनके चीफ हैं लखबीर सिंह, ये पाकिस्तान में है, तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में। नाउ ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी, इंडिया चाइना दे अवॉइडेड द ओपन क्लैश ओवर ओरिजिन्स ऑफ कोविड। यहाँ पे देखिए क्या है कि ओरिजिन्स ऑफ कोविड पे एक ग्लोबल चर्चा चल रहा है। इंडिया विद यूएस दे वॉन्ट दैट इट शुड बी रिसर्च बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट वेदर इट वॉज इट केम फ्रॉम बैट और वेदर इट वॉज लैब जनरेटेड वायरस। तो इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च करना चाहिए इससे इस टॉपिक पे, और पता लगाना चाहिए कि इसका क्या सोर्स है, कोरोना वायरस का, कि ताकि फ्यूचर में हम उस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें। बट चाइना इज़ स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस एंड बट जो मीटिंग्स हो रहा था उस पे दे बोथ कंट्रीज दे अवॉइडेड द क्लैश, बट ओवर हियर वी हैव टू सी दैट चाइना हैज़ रिजेंटमेंट अगेंस्ट दिस कॉल ऑफ यू एस इंडिया दैट देर शुड बी अ रिसर्च ऑन टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 वायरस। पास्ट में इंडिया ने सपोर्ट भी किया है कि WHO की टीम जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को विजिट की थी, ठीक है, बट उनको फ्री एक्सेस नहीं दिया गया था उस लेबोरेटरी का, जिसको इंडिया ने अपोज किया है। ओके, नाउ टाइप ऑफ न्यूज़ इंपॉर्टेंट फॉर एलेट क्लैट, संसद टीवी लॉन्च हुआ है बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। ठीक है, अब इसका नाम है संसद टीवी, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू इज़ ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट दे हैव बोथ लॉन्च द संसद टीवी बाई मर्जिंग द लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। सो नाउ वी विल सी दैट लोकसभा टीवी इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फॉर्मर स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, वो 15 साल से चल रहा है, और जो राज्यसभा टीवी है वो 10 साल से चल रहा है। ओके, एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, सो September 15th इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर किसी इंटरनेशनल डे पे अगर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है या कुछ किया है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ सी संसद टीवी के CEO कौन है, तो रवि कपूर, ही इज़ द संसद टीवी CEO। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, स्पुटनिक लाइट विल गेट नॉट फॉर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो सी द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड दैट द सिंगल डोज वर्जन ऑफ Sputnik 5 वैक्सीन विच इज स्पुटनिक लाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पुटनिक लाइट इज द सिंगल डोज वैक्सीन। ओके, सो इसका फेज 3 ट्रायल किया जाएगा एंड हैज़ बिन उसका जो फेज 3 ट्रायल है वो देखा गया है कि इट हैज़ जनरेटेड अ सिमिलर रिजल्ट एज इन रशिया। तो जो हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, इसको लाइसेंस मिला है टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन, एंड दे ये जो डेटा है ये डॉक्टर रेड्डीज ने पुटअप किया है, एंड हैज़ प्रेजेंटेड द सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी एंड एफिकेसी डेटा ऑफ स्पुटनिक लाइट फेज 3। तो एक बार फेज 3 होने के बाद, फिर अप्रूवल मिलने के बाद दिस वैक्सीन कैन बी यूज्ड। ओके, नाउ अगर हम स्पुटनिक लाइट की बात करें तो स्पुटनिक लाइट जो है इट इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ ओरिजिनल 2 डोज कंपोजिशन, ठीक है ना। तो Sputnik 5 जो है वो 2 डोज वैक्सीन है, तो स्पुटनिक लाइट इज ओनली द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरिजिनल 2 कंपोजिशन, बट इट डिफर्स फ्रॉम द अदर 2 डोज वैक्सीन इन दैट कि जो इसका वैक्टर है, ठीक है ना, वैक्टर मतलब कि हम एक वायरस लेते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं कोरोना वायरस के किसी भी एक स्पाइक प्रोटीन, मतलब स्पाइक प्रोटीन के साथ, सो इट बिकम्स द कोरोना वायरस वैक्सीन। सो जो इसका जो वेक्टर है वो डिफरेंट है स्पुटनिक 5 से। अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है,
दैट इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया था, स्पुतनिक फाइव एंड स्पुतनिक लाइट, देन दैट इज़ गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रशिया। इसको मार्केटिंग कौन कर रहा है, तो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। सो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ टाई अप किया। नाउ द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड हैज़ टाइड अप विद सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस 300 मिलियन डोजेस एनुअली। दे हैव ऑल्सो एंटर इन टू सिंगल पैक्स विद हेटेरो एंड ग्लैंड फार्मा। उसके बाद यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हुई है। डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था और अभी वहाँ पे डिस्कशन होना बाकी है, तो इसको एक एक्सटेंशन मिला हुआ है। हम इस सिनॉप्सिस में देख लेते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। तो जो बिल है ये सीधा डील करता है ऑन द प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस एंड टू ऑन द कलेक्शन, क्योंकि हम जब जो डेटा जनरेट करते हैं तो उसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, स्टोर कहाँ पे होगा, कौन स्टोर करेगा, उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी। ओके कि फिर उसके बाद कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स की, मतलब कि कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल्स की कंसेंट कौन कौन से डेटा यूज़ करने में लगेगी, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जहाँ पर कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होगा। देन इफ़ समबडी फ्लाउट्स द रूल देन व्हाट आर द पेनाल्टीज एंड व्हाट आर द कंपनसेशन, ऑल दिस आर बीन डिफाइंड अंडर दिस बिल। इस बिल में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इज दिस बिल डिफाइंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा में देखिए क्या क्या आता है, पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, हेल्थ डेटा एंड अदर मटेरियल्स विच कैन बी स्पेसिफाइड बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर देखिए इस लेजिस्लेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा तभी प्रोसेस किया जा सकता है जब उस जिस पर्सन का डेटा यूज़ हो रहा है अगर उसने अपना कंसेंट दिया है। ओके तो तभी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ somebody wants to use my personal sensitive data, so that company has to take the consent from me, before that cannot be used. The next is about quarrel is not abetting suicide. तो यहाँ पे सेक्शन 306 है इंडियन पैनल कोड का जो अबेटमेंट डिफाइन करता है। अबेटमेंट मतलब कि सुसाइड की तरफ किसी को लेके जाना। तो देखिए यहाँ पे अबेटमेंट का मतलब समझ लीजिए, अबेटमेंट बाय अ पर्सन इज अ व्हेन द पर्सन इंस्टिगेट्स अनदर। इंस्टिगेट्स मतलब उसको मतलब इंस्टिगेट करना, मतलब उसको मतलब ट्रिगर करना। व्हेन अ पर्सन इंस्टिगेट्स अनदर टू डू समथिंग, इंस्टिगेशन कैन बी इन्फर्ड बाय द अक्यूज्ड हेड। ध्यान से सुनिएगा, instigation can be inferred where the accused had by his act or omission created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide. मतलब abatement का मतलब ऐसा है कि जो accused है उसने एक ऐसा condition create कर दिया कि जिसने suicide किया उसके पास suicide के अलावा कोई option नहीं था। यहाँ पे Supreme Court ने एक judgment दिया है, वहाँ पे ये कहा है कि कभी कभी quarrel, कभी कभी होता है ना कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया और किसी एक ने सुसाइड कर लिया, अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बट यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्वारल जो पति पत्नी में होता है अक्सर, और उसके बाद मान लो कि किसी ने जान देने की कोशिश की, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अबेक्टिंग द सुसाइड। कि मतलब झगड़ा करने के बाद, ऐसा नहीं कि झगड़ा करने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है सुसाइड का, नो। सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अबेक्टिंग द सुसाइड। अब हम आते हैं इकोनॉमी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, नाउ द प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अगेन इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। नाउ दिस विल टारगेट टू स्पर मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स एंड ड्रोन्स। ड्रोन पॉलिसी आ चुकी है तो अब PLI स्कीम ड्रोन्स के लिए भी आ रही है। इसका जो पैकेज है वो है ₹26,058 करोड़ और इट इज़ एमिंग टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹42,500 करोड़ इन द ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। देखिए इसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि अभी अभी इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात की है 450 गीगावाट। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस एंड मोबालाइजेशन डायलॉग जो इंडिया और US का स्टार्ट हुआ है उसमें
डीकार्बनाइजिंग द बिल्डिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर उसमें है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डीकार्बनाइज करना है तो उसकी तरफ अब इंडिया बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे उसके लिए पीएलआई स्कीम निकाला गया है कि हमें ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें प्रोड्यूस करना है इंडिया में, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक है द सेल्स वैल्यू लिंक्ड स्कीम, तो इट विल इंक्लूड अ चैम्पियन ओईएम इंसेंटिव एप्लीकेशंस जो बैट फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल साइल व्हीकल्स। तो जो सेल्स वैल्यू लिंक्ड स्कीम जो है इट विल बी फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। हमने बात की थी ग्रीन हाइड्रोजन की। द ग्रीन हाइड्रोजन मीन्स प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव विच इज़ फॉर एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट है, एक है एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट जिसके लिए देयर विल बी कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव, और एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स, उसके लिए सेल्स वैल्यू लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। उसके बाद एयर इंडिया विच इज़ बीइंग डाइवेस्टेड, यहाँ पे 50% स्टेक जो बेचने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे जो टाटा सन है, इट हैज सबमिटेड अ फाइनेंशियल बिड टू एक्वायर एयर इंडिया। एयर इंडिया की एक हिस्ट्री है, एयर इंडिया नेशनलाइज होने से पहले टाटा ग्रुप का ही वो था, कंपनी थी, ओके। सो नाउ अगेन द टाटा ग्रुप वॉन्ट्स टू एक्वायर इट। नाउ द नेक्स्ट इज कि कोविड डिसरप्शंस जो चाइना में हुए हैं, अब यहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है चाइना में। द फैक्ट्री आउटपुट विच इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ कमिंग डाउन। उसके बाद NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक रिपोर्ट भी आया है, डेब्ट ऑफ हाउस होल्ड सर्ज बिटवीन 2012 एंड 18। सो द नंबर ऑफ इनडेप्टेड हाउस होल्ड हैव राइजन शार्पली इन रूरल इंडिया विद द एवरेज डेब्ट शूटिंग अप बाई 84% बिटवीन 2012 एंड 2018। नाउ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज वर्ल्ड का यहाँ पे है, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलके एक नया ग्रुप बनाया है, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस। फोकस कहाँ पे है, सिंपल, न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक। इसका जो कोर पार्ट है वो क्या है, द सेंट्रल फीचर इस पार्टनरशिप का क्या है, अ ट्राइलेटरल 18-month एफर्ट टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया एक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स विच आर क्वाइटर, मोर कैपेबल एंड कैन बी डिप्लॉयड फॉर लॉन्गर पीरियड्स नीडिंग टू सरफेस लेस फ्रिक्वेंटली। इसको आप क्वाड से और इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग से जोड़ के देखिए, दैट नाउ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री विच इज़ इन डेंजर फ्रॉम असर्टिव चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है ही, ठीक है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के साथ अब 2+2 डायलॉग करना चाहता है बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर पार्टनरशिप इन दिस रीजन। थर्ड, नाउ UK ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प द ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। नाउ यहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक प्रॉब्लम हो गया है। सो सी द पावरफुल सिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरियन लीडर, यहाँ पे क्या हुआ कि साउथ कोरियन जैपनीज मिलिट्रीज ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने 2 short-range बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जो जस्ट 80 किलोमीटर, मतलब वो 800 किलोमीटर तक उसने ट्रैवल किया, एंड इट लैंडेड इन जापान्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का जो टेरिटरी होता है उससे 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक सी में जो एरिया होता है उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। सो इट गॉट इनटू जापान्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्रिएटिंग टेंशन इन कोरियन पेनिनसुला। अब हम एडिटोरियल की तरफ आते हैं। जी हमने कल भी न्यूज़ कहा पढ़ा था कि GST काउंसिल माइट कंसिडर इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एंड फ्यूल टू बी द पार्ट ऑफ GST, इट विल लीड टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फ्यूल। तो अब देखिए क्या हो रहा है ना कि हम जैसे देख रहे हैं कि CPI और WPI इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, भले 6% के नीचे है बट वो कंसिडरेबली ऊपर की तरफ है। और ख़ास करके देखिए यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन, एडिबल ऑयल
के वजह से, प्रोटीन के वजह से, फैट्स की वजह से, मीट के वजह से बहुत ज़्यादा ही है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, कि अगर फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, फूड इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है. तो अब क्या होता है कि अगर फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि द फ्यूल कॉस्ट इज़ हाई, तो डेफिनेटली द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हाई, डेफिनेटली द वेजेस विल बी हाई. ओके, एंड फूड इन्फ्लेशन भी अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो क्या हो रहा है कि अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है, क्योंकि जो फ्यूल इन्फ्लेशन होता है इट एड्स द इन्फ्लेशन इन एवरी सेक्टर, और फ्यूल फूड इन्फ्लेशन तो ऊपर नीचे कर ही रहा है. ए सेकेंड थिंग इज दैट द कोर इन्फ्लेशन वो इंडिया में डिक्रीज नहीं हो रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग दैट देर इज अ परसिस्टेंट इन्फ्लेशन राइट नाउ हैपनिंग इन इंडिया. ओके, अच्छा, अगर हम इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड लाइट की बात करें, क्लोथिंग फुटवेयर हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है. ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ओके, इनका जो है डबल डिजिट में इन्फ्लेशन अभी तक है. जो हमने कल WPI डेटा देखा उसमें भी हमने देखा कि हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हायर इनपुट प्राइस हैज़ लेड टू WPI इन्फ्लेशन, एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशन है वो 11.4% है. सो द गवर्नमेंट शुड कंसिडर कटिंग द फ्यूल टैक्सेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. उसके बाद तमिलनाडु ने, जैसे कि कल बिल पास किया था दैट तमिलनाडु असेंबली टू एग्जेम्प्ट द एस्पिरेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु फ्रॉम नीट टू टेक एडमिशन्स इनटू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज. ओके, तो अब क्या है कि दिस इज़ इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट्री लॉ. ये कोशिश पहले भी 2017 में की जा चुकी है, बट द प्रेसिडेंट डिड नॉट असेंट दिस बिल. देखिए, अगर स्टेट कोई भी ऐसा बिल पास करता है विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन, देन इट रिक्वायर्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. इट इज़ रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो इस बिल के साथ यही होने वाला है. बट 2017 में भी जो अटैम्प्ट हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने इस बिल पे साइन नहीं किया था. बट यहाँ पे जो ऑथर कह रहा है, एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कह रहा है कि तमिलनाडु जो नीट के बाहर आना चाहता है, ठीक है, दैट इट डज़ नॉट वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ द नीट, तो इसको एक ध्यान से देखने की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है. दैट तमिलनाडु में क्या हुआ है कि तमिलनाडु ने अपना एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है पास्ट में, और क्योंकि वहाँ पे पहले 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के मार्क्स ही कंसिडर किए जाते थे, वो भी तमिलनाडु बोर्ड के. तो वहाँ पे क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम रूरल एरियाज एंड पुअर पीपल चिल्ड्रंस दे कुड परफॉर्म वेरी वेल इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड दे शुड टेक एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस. तो इससे क्या था कि जो तमिलनाडु में जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटीज थी वो काफ़ी थी. अब तमिलनाडु को ये प्रॉब्लम है कि एक तो नीट की वजह से कोचिंग्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है विच हैज़ लेड टू कमर्शियलाइजेशन. सेकेंड दैट आउटसाइडर स्टूडेंट्स भी आएंगे जो तमिलनाडु के कॉलेज से पढ़ने के बाद तमिलनाडु में सर्व नहीं करेंगे, तो विच कैन लीड टू प्रॉब्लम इन डी जनरेटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन तमिलनाडु. ओके, इसी से जुड़ा एक और आर्टिकल है, हम उसको यहीं पर कर लेते हैं. यहाँ पे भी देखिए यही बात हुई है कि एक कमिटी बैठी थी अंडर AK राजन विच स्टडीड द इम्पैक्ट ऑन नीट एंड इट केम ऑन द सेम कंक्लूजन दैट नीट फेवर्स चिल्ड्रन फ्रॉम एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स. ओके, सो बट यहाँ पे क्या है कि कैन द स्टेट पास द लॉ. सो स्टेट कैन पास द लॉ बिकॉज मेडिकल एडमिशंस कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट एंट्री 25. सो स्टेट कैन ऑल्सो एनेक्ट द लॉ रिगार्डिंग एडमिशन एंड अमेंड एनी सेंट्रल लॉ ऑन एडमिशन प्रोसेस. बट नीट के केस में ये इतना ईजी नहीं है. क्यों? क्योंकि नीट के केस में नीट इज हैज़ ऑलरेडी बी गिवन अ स्टैटूटरी बैकिंग अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट सेक्शन 10D. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, और जैसे मैंने बताया कि 2017 में जो बिल पास की थी इट ऑल्सो मेट द सेम फेट दैट इट वॉज नॉट असेंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो हियर द थिंग इज दैट
यहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं वो तमिलनाडु के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। नाउ दे आर नॉट श्योर दैट वेदर दे हैव टू गिव नीट और 12th स्टैंडर्ड। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है तमिलनाडु का, जो स्पेशल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके okay? अब हम आते हैं आज के आर्टिकल्स में, जहाँ पे इंडिया चाइना की बात हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे चाइना की एक स्ट्रैटेजी की बात हुई है। चाइना का एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो चाइना कहता है कि द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इज़ लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बट वो एग्रेशन, थोड़ा थोड़ा एग्रेशन करता है। जैसे कि उसने गालवान वैली में एग्रेशन किया, थोड़ा सा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, फिर वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना देगा। ओके okay, वो परमानेंट स्ट्रक्चर बना देगा, फिर उस एरिया को वो क्लेम कर लेगा, एंड देन इट विल बी द न्यू नॉर्मल। ओके, न्यू नॉर्मल बन जाएगा। अब क्या होता है कि जो चाइनीज स्ट्रेटेजी जो गालवान में देखी गई वो सेम था कि दे एक्सटेंडेड देयर एरिया। तो जैसे कि जो क्लेम लाइन था, जो इंडिया का क्लेम लाइन था, वो उसके अंदर आ गए, एंड दे ट्राइड टू ऑक्यूपाई द गालवान वैली, स्पेशली दे ट्राइड टू ऑक्यूपाई द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गालवान एंड श्योक, सो दैट कि जो पूरा गालवान रिवर और श्योक रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वो वहाँ तक आना चाहते थे, कि ताकि इंडिया का जो एक्सेस है गालवान वैली में वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। ठीक है, एंड दे क्रिएट अ न्यू नॉर्मल। सो इंडिया के पास जो इस तरीके का जो पॉलिसी है, तो इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है? तो इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, एक मिलिट्री ऑप्शंस है जो इंडिया परस्यू करता है, द मिलिट्री टॉक्स, देन डिप्लोमेटिक टॉक्स, दे ऑल परस्यू। थर्ड है इकोनॉमी, कि चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर दो, जैसे कि जेटा, ZTE एंड हुआई हैव बीन बैन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द 5G ट्रायल्स, एंड इट विल हर्ट द चाइनीज़ इकोनॉमी। बट इसमें द ऑथर इज़ डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इज सेइंग दैट कि इंडिया इज़ टू मच डिपेंडेंट ऑन द क्रिटिकल इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ओके, उसके साथ साथ चिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि विच इंडिया रिक्वायर्स सो दैट इंडिया कैन मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स विच इंडिया कैन एक्सपोर्ट। सो इफ इंडिया कंटिन्यूज टू हार्म चाइना इकोनॉमिकली, सो इन रिटेलिएशन चाइना इफ थिंग्स टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टू इंडिया, देन द इंडियन इकोनॉमी विल बी हर्ट बैडली। सो बियॉन्ड द पॉइंट वी कैन नॉट गो फॉर एनी इकोनॉमिक रिटेलिएशन अगेंस्ट द चाइना। फिर यहाँ पे ऑथर लास्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन करता है कि क्या जो इंडिया का शिफ्ट है टूवर्ड्स वेस्ट, दैट इंडिया इज़ नाउ द मेम्बर ऑफ क्वाड, सो क्या ये चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से तो नहीं है? इसका मतलब कि इज़ द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ चाइना इज़ पुशिंग इंडिया टू द वेस्ट, क्योंकि पहले तो इंडिया नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसे कहते हैं, बट नाउ इंडिया इज स्लोली स्लोली अलाइनिंग टू द वेस्ट। देन इट कम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल्स, द फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि COVID-19 के वजह से जो चीज़ें हम फ्यूचर में करने वाले थे वो अब कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, हाइब्रिड मॉडल क्लासेस, फ्यूचर की में हम सोच रहे थे इसके बारे में, बट वो अब होना स्टार्ट हो गया। गिविंग इम्पोर्टेंस टू फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी अब करिकुलम का पार्ट बन गया। ओके, सो गिविंग फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड प्रिवेंटिंग द ड्रॉप आउट्स, ये भी अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें तो चार टाइप के इम्पॉर्टेंट शिफ्ट देखे गए हैं। द फर्स्ट इज दैट देर इज अ शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टूवर्ड्स द डिजिटल एंड वर्चुअल रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज दैट ट्रेडिशनल फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग इज स्टिल गोइंग टू बी द ग्रेट इक्वलाइजर इन द एजुकेशन। थर्ड, फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। फोर्थ, एक्सेलरेटेड एंड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशन, की जिसका जैसा कैपेसिटी है लर्निंग का उसके हिसाब से उसको दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन। तो अब हम स्कूल्स को चार चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहला, कि जो स्कूल है वो एक क्लोज मॉडल ना होके ओपन मॉडल हो, एक एक्सटेंडेड नेटवर्क डेवलप करे, देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन क्लास एंड कम्युनिटी। ठीक है, सेकेंड है कि
schools have to be proactive innovators. They have to adopt the innovative pedagogies, teaching methods. Third, that schools have to be the जो future jobs होंगे, ठीक है ना, वो बहुत ही न्यू सेट ऑफ कैपेबिलिटीज मांगेंगे. हाइपर इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें, वर्चुअल टीम्स होंगे, तो आप स्कूल को, बच्चों को उन सब के लिए तैयार करना पड़ेगा. द फोर्थ, दैट स्कूल्स हैव टू फोर्ज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टिंग एंगेजमेंट विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. ओके, सो दीज आर द फोर कमिंग चैलेंजेस ऑफ द स्कूल. सो वी हैव डिस्कस द, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet again tomorrow with new Hindu analysis. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.